नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ श्वेता सिंह। नगर निगम मतदान के चलते चाहे अभी तक बटाला नगर निगम मतदान के किसी भी राजनीतिक पार्टी के उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया गया, लेकिन उसके बावजूद अकाली दल और कांग्रेस पार्टी में तकरार आया सामने और दोनों धड़ों ने एक दूसरे पर गोली चलाने के लिए आरोप लगाए हैं। वहीं पुलिस का इस पर कहना है कि कार्यवाही की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक 6 राउंड फायर किए गए हैं। बटाला के सिंबल चौक में कहानुवान रोड पर आज देर शाम हुई फायरिंग, इसके चलते पुलिस की तरफ से मौके पर पहुंचकर जांच की गई। वहीं इस घटना के पीछे अकाली दल पार्टी और कांग्रेस पार्टी के अधिकारियों ने इस तकरार को नगर निगम मतदान के प्रचार के साथ जोड़ा है और उन पर एक दूसरे के आरोप हैं कि फायरिंग और मारपीट की गई है, और जबकि इस घटना में कोई भी जख्मी नहीं हुआ है। आज मेरे छोटा ब्रदर बलजिंदर सिंह उसकी मैरिज एनिवर्सरी है। असी सारे परिवार ने डिनर अरेंज किया ग्रैंड वेन्यू दे विच। 7 बजे का उत्ते टाइम से असी सारे उत्ते तैयार हो रहे सी, उत्ते तैयार हो रहे सारे, मैं ते मेरा भांडिया रूबल, असी दोवें जने थले कुर्सी उत्ते बैठे, सिर्फ दो जने। ये लगभग 100 बंदा राउंड कढ लिया सी। राउंड कढ के ये विश्वकर्मा रोड गली थानी गए ने, 5 नंबर गली थानी निकले ने, इन्हां ने परां नूं जाना सी। मैनूं इत्थे कल्यां बैठिया वेख के एक बाऊ जी दा नाम चरणजीत सिंह है, एक सैनी लंबी गली का, ये दोवां जणिआं ने उन्हूं कंपैल किया कि इधर नूं जाणा है। वो उधरों मुड़ के इधर नूं आए ने, इधर नूं आ के मैनूं कल्यां बैठिआं वेख के इत्थे हुल्लड़बाजी की। उन्होंने ताड़ियां मारियां ने, हुल्लड़बाजी की, नारेबाजी की, मैं चुप रहा। दो इन्हां ने हवाई फायर किए ने, मेरे हिसाब नाल 4-5 किए होणगे, 2 हवाई फायर किए ने, एक इन्हां ने मेरे वल्लों फायर किया है। मुड़ के बिचों ये नहीं पता किन्ने किया वा, गगन ने तो हवाई फायर किया, वो मैनूं पक्का पता वा, उसकी CCTV कैमरे च भी साढ़े चार जूगे सवेरे। उदे तो बाद मैं अपना पिस्टल कढ के मैं भी 2 हवाई फायर किए ने अपने बचाव वास्ते। मैं जिले का प्रधान है श्रोमणी अकाली दल का, मेरे तो इन्होंने जानलेवा हमला किया, मैं पुलिस को जी इन्हें पुरज और मंग करता कि मैंने पूरा इंसाफ दवाया जाए। पहलों इन्होंने हुक्मरान पार्टी होंदे आ मेरिया वोटा कटाइया ने, 451 वोटा मेरिया कटवाइया, जिसके बदले च मैं हाई कोर्ट से रिट भी पाई सी, वह भी इन्होंने इन्फ्लुएंस वरत के, चलो वह भी खारिज हो गई। हुण इलैक्शन हार रहे ने, इस करके ये मेरे बूहे के अगे आ के मेरे चौंक च मेरे घर के आण के मेरे ते गोली चला के मेरे ते जानलेवा हमला किया कि इलैक्शन ना। मैं पुरज और मंग करता प्रशासन को मेरी जी सुनवाई की जाए, धक्का ना किया जाए। ये कांग्रेस पार्टी के बंदे बिक्रमजीत सिंह जग्गा जिहड़ा इलैक्शन लड़ रहा, उहदे नाल चरणजीत सिंह बाऊ ते सैणी, ये दो बंदे ने सारी प्रापोगंडा करके कराया। हुल्लड़बाजी की सवेरे CCTV कैमरे कट के फोटो दिखा देंगे। मेरे नाल सरासर जिहड़ी धक्का किया जा रहा, तो मैं ये धक्का बर्दाश्त नहीं करूँगा। मैं ये खिलाफ़ पूरे जोर सवेरे भावें मैं सारा जाम लाना पे, सुखबीर बादल जी इतने आन, मजीठा जी इतने आने, सारी पार्टी मेरी इतने आएगी, मैं ये कभी बर्दाश्त नहीं करूँगा। मैं नप के इलैक्शन लड़ी जाए, मैं नहीं नपया जी। हाँ जी सर, की मामला आया सारा जी? हाँ सर, मैं अज इलैक्शन के संबंध में डोर टू डोर कर रहा है। मैं मेरा ब्रदर से मेरे इतों के ही वसनीक से सारे, अपना मेरी वार्ड के कुछ स्टाफ रोड तो। मैं जो 5 विश्वकर्मा गली थानी हो के, तो 5 नंबर गली थानी बैकसाइड भाइयों की गली थानी होंदे हो, 5 नंबर गली थानी बाहर निकले आप, मेरे नाल जिहड़े लोग सी असी अपने घर में, मैं शास्त्री सामने जा रहा सी, इन्हें जिहड़ा बलबीर सिंह बिट्टू आ जिस कोल पिस्टल सी, इसका भरा जिहड़ा बलजिंदर सिंह टीटा वा, एक इहदा दारा ब्रदर गुरबिंदर सिंह दारा, उसके कोल रिवॉल्वर सी, ते बाकी एक 3-4 इन्हां दे यार रिश्तेदार सी, इन्हां दे भतीजे सी, बिट्टू दे अपने दोवें मुंडे सी, बिट्टू दे भतीजे सी, कुछ सिनेमा रोड तो इन्हां दे जिहड़े रिश्तेदार सी वह सारे आए, आउंदे साडे अगे खलो के इन्हां ने घेराबंदी कर ली आ, ते आउंदे बलबीर सिंह बिट्टू ने जिहड़ा ललकारा मारिया कि अज तक मेरे मुकाबले कोई इलैक्शन नहीं खलोता पिछले 15-20 सालों तो, पिछली बार भी एक खलोता है तो उन्होंने भी अं जुत्तियां मार के उन्होंने भजा दता सी, ते तू तेरे च इन्नी हिम्मत कितों आ गई, तू कितों जम पिया वा, यही गल्ला हुई इन्हें। जो मैं क्या कि कोई गल नहीं, लोगों ने जिता वा, मैं तो तू आप तो कभी जित नहीं सकते, हाथ जोड़ के मैं निकल लगा वा, तो इन्हें जो बलबीर सिंह बिट्टू आ इन्हें अपने दस्ती जो पिस्टल ही
वो मेरे ते तान ता जानू मारन की नीयत नाल इन्हें मेरे सिर ते वल फायर किया वा। मैं बड़ी मुश्किल थले हो के जान बचाई अपनी। उस तो बाद जिहड़ा इहदा दारा इहदा ब्रदर आ गुरबिंदर सिंह उन्हें अपने दस्ती रिवॉल्वर दे नाल फिर मेरे वल जानू मारन की नीयत नाल मेरे वाल फायर किया। मैं बड़ी मुश्किल ना भज के सारे मेरे जिहड़े साथी सी भज के साइड ते हो गए। ये बाकी जिहड़े परिवारक मैंबर सी इन्हां ने दातर करमाना लैके मेरे मगर चढ़ गए। मैं भज के बेरी साहब के दफ्तर के होंदे इत्थे आया वा। ये मगरे सारे आ गए मेरे इन्हें आंदे डंग अपने दातर मेरे मारने शुरू करते कुर्सियां पता नहीं कितों लिया के कुर्सियां चुक चुक मारनिया शुरू करतियां। मैं भज के अपनी जान बचाई आ ते मैं इंसाफ ही तुहाडे को मंगन दिया वा कि वेखो सच तुहाडे सामने आ फायरिंग इन्हें की आदि वीडियोज़ भी मेरे को है। मैं वीडियोज़ आपके पास पेश कर दाँगा सारा बकूआ उतों करने तो बाद फिर मेरे दुबारे मेरे मन मारन वास्ते ये जड़ा है वा इतने जगबाणी दफ्तर जोड़े है चरणजीत मेरा दोस्त ये बहर आन तक इतों तक जोड़िया वीडियो ने इस तक आने के इन्होंने मेरे हमला किया वा। पार्टी देखो जी वो जिला प्रधान आ जी श्रोमणी अकाली दल का तो मैं कांग्रेस पार्टी वालों उम्मीदवार वा पहला भी एम सी हाँ तो ये पिछले कुछ दिनों तो ही जोड़ा वा लड़ाई करन के मूड के मैं लड़ाई लगन दिया कि जिस हिसाब से धमकी अखा कड़ते मैं तो डरता इधर वार्ड से डोर टू डोर नहीं सी करन दिया। तो अज सगों महलावासियों ने मैंने कहा कि तुम एक बार आन के इंट्रोड्यूस तो करो होवो अपने लोगों ने ताे वालों खरे। मैं इसे बेनती के लोगों के कहते ही घर वाले के कहते मैं आया वा तो इन्हें मैं जो वा मारन की नीयत न मेरे वाल उन्होंने मेरे मैं जी मेरे कोई हथियार ही नहीं है जी मैं कितों फायर कड़ देने इन्हों के मेरे को वीडियोज़ है जी मैं वीडियोज़ तुम्हें दिना वा बार बार मैंने कहते वीडियो बंद कर देने तो तुम्हें फिर गोली मारा मेरे को इन्हें शब्दावली मेरे को हैगी मैं बंद तुम्हें दस दिना सारी रिकॉर्डिंग हुई है जी। मैनू तो मेरे परिवार को खतरा जे मेरे परिवार को या मैनू मेरे किसी दोस्त को कुछ भी होया वो जिम्मेवार बलबीर सिंह बिट्टू इसका भरा दोनों भरा इस भतीजे इसके मुंडे ये जिम्मेवार हो गए रिश्तेदार जिम्मेदार हो गए। अभी भी मेरे मारियां जी ने पिछले डंग मेरे हूँ मैं तुम्हें की दसा मेरे लक्के ने पुठे दातर मारे है। मैं लड़ाई कर मैनू मैं लड़ाई नहीं करनी मैं इलेक्शन लड़नी इन्होंने मेरे मेरे दुआले चढ़े हुए है जी सारे सारा परिवार ही तो मैं अजे भी लुक के बैठा हुआ मैं घर नहीं जा रहा मैं मुलाजम इमीजिएटली मैं शोक एस आई जो चौंकी इंचार्ज है उन्होंने मैं फोन करता कि भाजी आ मेरे से फायरिंग इन्होंने की है वह भी आ गए। मैं तो इन्होंने कहा खोल पे है चुको इन्होंने बूहे अगे खोल पे है फायर कट दे मेरे मगर भजिए कि बजे की घटना उधर इस मामले में मौके पर पहुंचे पुलिस जिला बटाला के डीपी गुरदीप सिंह ने बताया कि उनको जानकारी मिली थी कि दोहा धड़ों की तकरार हुई है और हवाई फायरिंग भी हुई है और बयान लेकर जांच की जा रही है कानूनी कार्यवाही की जा रही है। प्राइम न्यूज 24 के लिए जतिंदर कुंडल की रिपोर्ट। करीब 7 बजे असी इत्थे मौके ते पहुंचे हैं तो उस वेले इन्हां दोनों पार्टियां दे विच आपस विच तकरार होया ते एक कंपेनिंग नू लै के वोटां जिहड़ियां कमेटी दियां चल रही हैं वो कंपेनिंग नू लै के होया ते फिर असीं आण के दोनों पार्टियां नू गलबात करके आपो अपने घरां दे विच भेजता क्योंकि लागे लागे इन्हां दे घर सीगे ते शांत हो गए। SHO सिविल लाइन नू दोनों पार्टियां दे बयान लिखण वास्ते कहता गया जो कि उन्हें लिख ले आ ते अगली कार्रवाई कानून के मुताबिक की जाएगी। तो फायरिंग वगैरह भी हुई है पता लग्या कि साढ़े आने तो पहला दबल्यों ही फायर हुए।